आज शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। संगम नगरी प्रयागराज आज शोक में डूबी है क्योंकि यहां बेरहमी के साथ सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहले एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और फिर उस घर में आग लगा दी गई। धुआं उठा तो हड़कंप मचा, तो देखा कि एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मतलब कुछ इसी तरह का खौफनाक मंजर रहा होगा जो हम आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और अब बारी सपा के प्रतिनिधिमंडल की है। तो जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ है, एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। तो आज प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बेरहमी के साथ एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया जहां पहले एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से उनकी हत्या की और फिर उस घर को आग के हवाले कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागशाला लाल पोस्टमार्टम। सीरियल किलिंग पर सियासी समर। आज तीर्थों के नायक, तीर्थों के राजा, प्रयाग की हवाओं में शोक है, सदमा है, सन्नाटा है। आज गंगा, यमुना और सरस्वती अस्तब्ध है। आज प्रयागराज में त्रिवेणी बिल्कुल खामोश है। क्योंकि जिस प्रयागराज में नश्वर संसार से मोक्ष मिलता है वो खूनी प्रयागशाला बन चुका है। तारीख 23 अप्रैल 2022। एक बार फिर प्रयाग के मस्तक पर चढ़कर खूनी दरिंदों ने रक्त चरित्र दिखाया। एक बार फिर संगम नगरी की गलियों में खौफ का तांडव हो रहा। एक हफ्ता भी नहीं बीता कि सामूहिक हत्याकांड ने लोगों के होश उड़ा दिए। हरवाई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया कि देखने वालों की रूह कांप उठे। बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों पर कहर बनकर गुजरी रात, और जब सुबह हुई तो पास पड़ोस में हड़कंप मच गया क्योंकि घर के अंदर से उठ रहा था धुआं, और जब धुआं देखकर लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पड़ी मिली खून से सनी 5 लाशें। मौकाए वारदात का मंजर बताने भर से सन्न रह जाएंगे आप। क्या क्या बताएं आपको, कैसे बताएं, सोच कर भी रूह कांप जाती जब बताते हैं कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वालों ने ईंट से कूच कूच कर पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी गई। सोचिए इस हैवानियत से बेखबर परिवार पर क्या गुजरी होगी। एक ही पल में जिंदगी को रौंद दिया गया। राजकुमार यादव और उसकी पत्नी कुसुम यादव की हत्या हुई। बेटी मनीषा और बहू सविता की बेरहमी से हत्या की गई। 2 साल की मासूम को भी नहीं बख्शा गया। सभी को ईंट पत्थर से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड को लेकर यहाँ पे आई। मैं बतौर SSP मैं खुद यहाँ पे आया। सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। सभी टीमों ने जाँच पड़ताल कर लिया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की चोटें हैं बॉडी पर और क्या क्या चोटें हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो छोटी बच्ची जीवित बची है 5 साल की है, उसको भी पुलिस संभाल रही है और उससे भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। खून से लथपथ शव अंदर पड़े हुए थे और बाहर चीख पुकार होने लगी। अब पुलिस जांच की बात कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे 16 अप्रैल को की थी, जब नवाबगंज थाने के खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर में मिले थे। शव हैं, उस पे धारदार हथियार की चोट हैं, जो वहां से मौके से बताया गया है। और वहां 2 कमरे का घर है, जिसमें एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, जिसको वहां फायर सर्विस ने पहुँच के उसको बुझाया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और वहाँ की फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि का भी उपयोग किया जा रहा है। जी, वो पहले की घटना के बारे में जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे वो मीडिया के साथ शेयर किए गए थे, उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खुलासा हो। पर तफ्तीश के इस भरोसे से आगे सियासत अपनी जमीन तलाशने लगी। दर्द के समंदर को चीर कर संभावनाओं को तलाशा जा रहा, इसीलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंच रहा। 24 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहा। सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव की अगुवाई में ये डेलीगेशन पहुंचेगा। चर्चा अखिलेश यादव के पहुंचने की भी है, लेकिन पहुंचने से पहले ही तरकश से सियासी तीर चलने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कमाल की है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति और मार्केटिंग इवेंट में बिजी है। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, यहाँ पे लगातार हत्याएं होती चली जा रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं, 2-2 बार घटनाएं घटी हैं और एक एक परिवार के 5-5 लोगों की हत्याएं हुई हैं और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है। मैं तो सरकार से कहूँ, हाथ जोड़ के, प्रभु उत्तर प्रदेश में अपराध रोकिए, जाति धर्म और मार्केटिंग इवेंट की राजनीति बंद कीजिए। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं, उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं और हम लोग कोशिश करेंगे, परिवार से मिलेंगे भी। पर समाजवादी पार्टी के जुटान से पहले प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव प्रयागराज पहुँच गए। ये जघन्य अपराध है, खेवराई गांव में जो राजकुमार के परिवार के साथ हुआ है, और एक जो राजकुमार का बेटा सुनील जो बचा हुआ है, एक बेटी बची हुई है, 4 साल की बची हुई है। तो इस जो जघन्य अपराध हुआ है इसका तुरंत शीघ्र खुलासा होना चाहिए, इसका तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद, इस परिवार को फिर से जो खड़ा हो जाए परिवार, सुनील का परिवार फिर से खड़ा हो जाए, इसकी मांग करते हैं। और बेटी की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम, इनके सुनील की सुरक्षा का इंतजाम। कल अखिलेश जी भी आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब इस पे हम क्या कहेंगे, जब वो आए तब उन्हें पूछ लेना, हम तो आ गए और हमने मांगे भी रख दी, कल हम मुख्यमंत्री से मिल करके और दे देंगे। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत की धुरी अब क्राइम का मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में क्राइम कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा साबित हुआ था। मुद्दे की बात यह है कि इसी वजह से अपराध की घटनाएं होने पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले अखिलेश यादव के कल प्रयागराज पहुंचने की चर्चा है। वहीं सीएम योगी ने शोक जताकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ये इकलौता मामला नहीं है। हाल ही में प्रयागराज ऐसी ही सनसनीखेज वारदातों से दहल चुका है। प्रयागराज में 4 साल के अंदर 5 सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसे में जरूरी है सबसे पहले कानून को चुनौती देने वालों पर शिकंजा कसा जाए। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।